मुज़ाकरात किए उनसे और लोकल इंतज़ामिया ने उन्हें बताया कि आप मेहरबानी करें, इस काम को आप आगे ले जाएं, क्योंकि अगर आप इस पर इसरार करेंगे तो इसकी इजाज़त नहीं मिलेगी। लाहौर में एक दिन के लिए दफा 144 नाफिज, जलसे जुलूस रैली निकालने पर पाबंदी। आयद शहर में मैच हो रहा है, जश्न बहारा की तकरीबात जारी हैं। इमरान खान हुकूमत से तावुन करें, आज रैली ना निकालें। निगरान सूबाई वजीर आमिर मीर की मीडिया टॉक। डीसी राफिया हैदर भी रैली की इजाजत देने से इनकार कर चुकी हैं। पंजाब हुकूमत ने रेंजर्स को तलब कर लिया, जमान पार्क और अहम अकामात पर रेंजर्स तैनात होगी। शहर में दफा 144 का नफाज, पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन से रुजू कर लिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद और मियां असलम इकबाल ने पिटीशन दायर की। पीटीआई दफा 144 के मामले पर अदालत से भी रुजू करेगी। डिप्टी कमिश्नर ने गैर कानूनी तौर पर नोटिफिकेशन जारी किया। दफा 144 का नफाज मावराए कानून इकदाम किया गया, नोटिफिकेशन को खलअदम करार दिया जाए, दरखास्त में इस्तदा। मरियम नवाज सियासी प्रोटोकॉल के साथ जलसियां कर रही हैं। हमारे कारकुनान पर जुल्म ढाने की प्लानिंग हो चुकी है, असलम इकबाल और डॉक्टर यास्मीन राशिद की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं अवाम को तहफ़ देना रियासत की जिम्मेदारी है, ये तहफ़ नहीं दे सकते तो पर हुकूमत में क्यों है। हुक्मरान इमरान खान की मकबूलियत से घबरा गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने दफा 144 के हवाले से हिदायत लेकर मतला करने की यकीन दहानी करवाई है। तलबा और तालिबात के लिए पंजाब हुकूमत का बड़ा रिलीफ, यूनिफॉर्म में मेट्रो बस और ऑरेंज ट्रेन में तलबा तालिबात मुफ्त सफर कर सकेंगे। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। खिलाफ ज़ाब्ता 56 कंपनियों को नमक की कानकुनी के लिए जारी लाइसेंस मंसूखी का फैसला। एनर्जी डिपार्टमेंट को एनर्जी सेविंग के लिए इकदाम की हिदायत। वजीर आला मोहसिन नकवी का सिविल सेक्रेटेरिएट और दीगर महकमों को पेपरलेस काम करने का भी हुक्म। स्पोर्ट्स बोर्ड के जरिए तमाम साइकिल रेस मैराथन रेस का इनेकाद। टूर ऑफ दी लाहौर साइकिल रेस और व्हीलचेयर रेस का भी इनेकाद किया गया। टूर दी लाहौर रेस में शहर भर से मर्द खवातीन और बच्चों ने बड़ी तादाद में हिस्सा लिया। बाकायदा आगाज और इफ्तिताह डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स पंजाब मोहम्मद तारिक कुरैशी ने किया। व्हीलचेयर रेस मुकाबले में दर्जनों खसूसी अफराद ने हिस्सा लिया। पाकिस्तान सुपर लीग के सुपर मुकाबले जारी। लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स में आज बड़ा टाकरा होगा। कराची के टॉप ऑर्डर बल्लेबाज तैयब ताहिर बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाने के लिए बेताब। कलंदर्स के अब्दुल्ला शफीक भी जीत पर नजरें जमाए बैठे हैं। ट्रैफिक पुलिस ने भी इंतजाम मुकम्मल कर लिए, 1000 से ज्यादा अहलकार ड्यूटी देंगे। टीमों की आमद और रवानगी पर रोड को कम से कम वक्त के लिए बंद किया जाए, CTO की हिदायत। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल हसन की आज सालगिरह, साथ ही जजेस वकला और अजीजो कारिब की जानिब से मुबारकबाद के पैगाम। सूफी बुजुर्ग माधुलाल हुसैन का उर्स जारी। वजीर औकाफ बैरिस्टर असफर अली नासिर शाह, डॉक्टर ताहिर बुखारी ने फातिहा खानी की। मुल्क भर से अकीदतमंदों की शिरकत, चरागा किया महफिल समावी हुई। शहर में मौसम के बदलते रंग, कभी गर्मी की हिद्दत तो कभी सर्द हवाओं का सिलसिला जारी। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 32 डिग्री तक जाएगा। एयर क्वालिटी इंडेक्स पर आलूदगी की शरह 169 रिकॉर्ड की गई। आलूदा तरीन शहरों में लाहौर चौथे नंबर पर है।